पिता की वही देह गंध अब देह दुर्गंध बन गई है, ये मैं समझ गया। पहले मैं अपने पिता के एकदम बदल गए नक्की स्वर का एक शब्द भी नहीं समझ पाया, फिर उनका प्रत्येक वाक्य मेरे हृदय में भाला घुसेड़ता मुझे धराशायी कर गया। अपराध भावना निश्चित रूप से मनुष्य को अधिक प्रगल्भ बना देती है। मेरे पिता जो भी कह रहे थे उसमें केवल अपने ही पक्ष में दी गई कैफियत थी। उन दुर्बल दलीलों को मैं सांस रोके सुन रहा था, पर जब उन्होंने मेरी मृत जननी को भी कटघरे में खड़ा कर बुरा भला कहना आरंभ कर दिया तो मैं क्रोध से कांप उठा। मेरी इस हालत के लिए तुम्हारी मूर्खा अम्मा ही दोषी हैं। वो कायदे की होती तो आज मेरी ये हालत होती? जिसे अपने ही घर में भरपेट भोजन नहीं मिलता, वही भूख लगने पर दूसरों की जूठी पत्तलें चाटने लपकता है। बेजान बीमार वज्र मूर्खा तुम्हारी माँ ने मुझे दिया ही क्या? मेरे मन प्राण संगीत में बसे थे, उसे मेरे संगीत से नफरत थी। मुझे अच्छा पहनना ओढ़ना पसंद था। वो दिन रात गहने कपड़े फेंक कहके ही बनी कोप भवन में बिसूरती रहती थी। मुझे खाने पीने का शौक था, उसे बस मूंग की खिचड़ी पसंद थी। एकदम ठंडी उस मुर्दा औरत ने आज मेरी ये हालत बना कर रख दी। चुप करिए, मैं चाहने पर भी उस विभत्स चेहरे की ओर दोबारा आंख नहीं उठा पा रहा था। किसने आपकी ये हालत की? मेरी अम्मा ने या उस बेहया वेश्या ने? छी छी, कैसे निकल गया था वो शब्द मेरी सुसंस्कृत जिह्वा से। उनकी ऊंची आवाज ही शायद रामधनी को वहां खींच लाई। पिता पुत्र के बीच वो सिर झुकाए सहमा खड़ा था। मैं बाहर आकर अम्मा की उस धूल भरी आराम कुर्सी पर बैठ गया जिसमें उसने अपनी न जाने कितनी नीरस पति विरहित दोपहरें हम बाप बेटों के मोजे और स्वेटर बिनते बिनते काट दी थी। उस कमरे की असह्य दुर्गंध से मेरा सिर भन्ना रहा था। साहेब, रामधनी ने डरते डरते कहा, देख तो रहीन हैं आप, कोड़ फूट गवाह है मालिक को। अब हमें छुट्टी दे दीन जाए, हम घर जाइवा सरकार। पूरी रात मैंने उस कुर्सी पर काट दी थी। सुबह हुई तो मेरे जी में आया मैं भी रामधनी की ही भांति किसी से कहूं, अब छुट्टी हमें दे दीन जाए सरकार, हम घर जाइवा है। पर अब कहां था मेरा घर? बार बार जी में आ रहा था चुपचाप देहरी दोबारा लांघे बिना ही भाग जाऊं। पर उस दिन समझ में आया कि हिंदू पुत्र के लिए पिता के प्रति कर्तव्य से विमुख होना कितना कठिन है। रात भर बड़बड़ाकर मेरे पिता स्वयं शांत हो गए थे। मैंने एक बार झांक कर देखा, चीकट चादर के जीर्ण नकाब में उन्होंने सर छिपा रखा था। मैं बाहर निकल गया। गंगा के उस पार गाजीपुर की कुछ बत्तियां अभी भी टिमटिमा रही थी। सामने मृदुस्वरा गंगा की उफनती तरंगों पर आताभ्र सूर्य की अरुण आभा चांदी की मेखला पर जड़े मूंगे से चमक रही थी। बार बार पिता की हड्डियों भरी देह और सारी देह पर भरे घावों की स्मृति मुझे बेचैन कर उठी। हिंस हंसी में सिकुड़े उनके छाले भरे होंठ और कुरूप बैठी नाक, हे भगवान, कैसे जाया जा सकता था उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर। फिर घावों से उठ रही उस दुर्गंध के भपके की याद मुझे पागल बना गई। उस पर रामधनी बता रहा था, उठ बैठ ना ही सकत है अब मालिक, जानवरन से रेंगत रेंगत झल्लात रहत हैं, ऐसे ऐसे माँ बहिनन का न्योतत हैं सरकार कि का बताई, मुला गुस्सा और ऐंठ नहीं गई। मेरे आने की खबर पाते ही दूसरे दिन दिनेश अपनी जीभ धड़धड़ाता उपस्थित हो गया। शिष्टतावश ही वो मेरे पिता को देखने भीतर गया और तत्काल उल्टे पांव लौट आया। एक बात कहूं नन्ने, बुरा तो नहीं मानोगे? उसने फुसफुसाकर कहा। कहो।
इन्हें तुम अब किसी कुठाश्रम में भर्ती कर दो। तुम्हारे हक में भी तो ठीक नहीं है, अरे छुतही बीमारी है ये। और फिर दिन भर न जाने कितने हितैषी आकर मुझे यही राय दे गए। उस राय में स्वयं उनका कितना हित है मैं समझ गया। कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा रोगी वहां स्थायी रूप से वास कर पूरे परिवेश को दूषित करे। देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत गया। मैं बरामदे में ही सोता, वहीं मेरा सूटकेस रखा रहता, भीतर जाता तो केवल खाना पहुंचाने, यहां तक कि अपने ही कमरे से लगे गुसलखाने में नहाने का साहस भी मैं नहीं जुटा पाया। अंगोछा साबुन लेकर गंगा घाट निकल जाता, खाना खाने होटल चला जाता, कभी दिनेश अपने घर खींच ले जाता और मैं पिता के लिए खाना बंधवा लाता। कभी कभार खाना पहुंचाने में देर हो जाती तो देखता वो पूरे कमरे में लोट लोट कर माँ के स्तन को ढूंढ रहे अबोध क्षुधातुर शिशु की ही भांति चीख चीख कर रो रहे हैं। हाय, मुझे भूखा मार दिया कसाईयों ने, कहां मर गया हराम ज्यादा रामधनी, लाओ मेरा चाबुक, कहां गए सलीम अनीस राधे। उनकी व्यर्थ गुहारें कमरे की ऊंची ऊंची छत से टकरा टकरा कर दोहराती, कहां गए अनीस सलीम राधे। कभी मेरे पिता ने ही कमरे की छत दीवारें सैकड़ों रुपया बहाकर ऐसे बनवाई थी कि प्रत्येक गुहार प्रतिध्वनि बनकर गूंजे। आज वही दोहरी गूंज मेरे हृदय में कंटक बन रही थी। कभी उनकी इसी हांक से उनके ये चारों अनुचर थर थर कांपते चरणों में गिर पड़ते थे। अकस्मात उन जीर्ण शीर्ण अभागे मनुष्य को मैं अपने स्मृति दर्पण में देखने लगा। सूर्य की कांति को भी मलिन करती देह छटा, तीखी नाक पर उभरी क्रोध की झुर्रियां, रेशमी कुर्ते पर चमकते सोने के बटन और शांतिपूर्ण धोती की सुनहली कन्नी, कंठ के स्वर में सदा तार सप्तक का षडज ही प्रखर हो उठता था। आज उसी व्याघ्र विक्रम के तेजस्वी पौरुष की ये कैसी मर्मांतक पराजय थी। फिर मैंने एक दिन दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं निर्वीर्य भावुकता में अपने दुर्बल चित्त को नहीं बहने दूंगा। छुट्टियां आधी बीत चुकी थी, मैं उन्हें उस अवस्था में साथ नहीं ले जा सकता था। जाने से पहले उनका कुछ प्रबंध करना ही होगा। पिताजी, मैंने स्वर को यथासाध्य संयत करने की चेष्टा की, आप जानते हैं मुझे नौकरी पर लौट जाना होगा। मैं भी चलूंगा तेरे साथ नन्हे, किसी बच्चे की भांति वो किलक उठे। मेरा हृदय पहली बार करुणा से विगलित हो उठा। कभी मैं उनके साथ जाने को ऐसे ही मचलता था, आज परिस्थितियों ने उन्हें अबोध पुत्र बना दिया था, मुझे हृदयहीन पिता। नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं ले जा सकता। क्यों, वो गर्जे, किंतु उनकी गर्जना नासिका विहीन गहवर में व्यर्थ नक्की गूंज बनकर खो गई। आप जानते हैं क्यों, यहां सब कहते हैं कि आपको। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, नतमस्तक खड़ा ही रहा। क्या है मुझे, अपनी लाल अंगारे सी आंखें उन्होंने मेरे झुके चेहरे पर निबद्ध कर दी है, ये मैं सिर न उठाने पर भी जान गया। मुझे निरुत्तर खड़ा देख मां की भद्दी गाली देकर कहा, कहता क्यों नहीं, कहते हैं कोड़। मेरा स्वर इस बार उनके तीखे स्वर को भी पराजित कर गया। कौन साला कहता है मुझे कोड़ है। मैं जानता हूं पिताजी, आपको कोड़ नहीं है। मैंने स्वर का पैंतरा बदल उन्हें शांत करने की चेष्टा की। पर जो बीमारी आपको है उसका इलाज हो सकता है, ऐसे एक अस्पताल में मैं आपका प्रबंध कर चुका हूं। आप अकेले यहां नहीं रह सकते, रामधनी भी नौकरी छोड़कर घर चला गया है। उन्होंने किसी बनैले सुअर किसी आक्रामक मुद्रा में मुझ पर छपटने की चेष्टा की, फिर असहाय होकर पलंग पर पसर गए। सिसकियों से उनकी पूरी देह कांप रही थी। मैं और नहीं देख पाया,
तेजी से बाहर निकल गया। बड़ी देर तक अपने जन्मदाता का वो असहाय विलाप सुनकर मैं पत्थर हो गया। एक मिशनरी अस्पताल से मेरी लिखत पढ़त हो चुकी थी। 2-4 दिन में ही वो अपनी एम्बुलेंस लेकर उन्हें ले जाएंगे। उनके उपचार के लिए मुझे अग्रिम धनराशि जमा करनी होगी। इस रोग का उपचार बहुत महंगा होता है, बहुत कष्टसाध्य, किंतु आप निश्चिंत रहें, आपके पिता की यहां पूरी देखभाल की जाएगी। अस्पताल जाने के पूर्व के 8 दिन मेरी कठिन अग्नि परीक्षा के दिन थे। आज जब एड्स बीमारी के विषय में कोई लेख पढ़ता हूं तो लगता है पिता ही थे इस घातक रोग के आदि रोगी। ठीक वैसे ही लक्षण दिन प्रतिदिन पल अनुपल खुलती जा रही देह, एक काल रात्रि बीतती तो सुबह उठकर देखता एक ही रात में नृशंस यमदूत जैसे उनकी देह के मांस की परत दर परत तराश कर साथ ले गए हैं। देह भर में छाले, शरीर के मुंह बाए व्रणों से आती तीव्र दुर्गंध। मैं तो मनुष्य ही था। हमारा अंधा गोल्डन रिट्रीवर ब्राउनी, जो पहले पिताजी को घर पर ना पास सूंघ सूंघ कर बौरा जाता था, अब शायद उसी दुर्गंध से त्रस्त हो दूर पीपल तले जा लेट जाता था। 8वें दिन उन्हें लेने एम्बुलेंस आ गई। साथ में नीली कन्नी की साड़ियों से सिर बांधे 4 सिस्टर्स ऑफ मर्सी, 2 वार्ड बॉय और स्वयं डॉक्टर एंथनी। इस प्रकार से बांध बूंद कर ही ले जाना पड़ा था पिताजी को। वो जोर जोर से चीख रहे थे, मुझे यही मरने दे नन्हे, कहीं मत भेज। मैं जानता हूं मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, तू मुझे कभी माफ नहीं कर सकता, पर वो बदला अपने अपाहिज बाप से मत ले नन्हे। अब मैं नहीं बचूंगा, जल्दी ही तुझे मुक्त कर जाऊंगा। उन्होंने ऐसे विश्वास से कहा जैसे मौत उनके इशारे से ही उठती बैठती हो। उनका करुण क्रंदन मेरा कलेजा मरोड़ रहा था, सहसा उनका श्राप मेरे कलेजे में धस गया। वो अब विवश होकर मुझ पर श्राप वृष्टि कर रहे थे। भगवान करे तू कभी घर गृहस्थी का सुख न भोगे, अंग अंग में तेरे कीड़े पड़े। फिर मृत्यु का स्पष्ट आभास पा श्वान की ही भांति वो ऊपर मुंह उठा, हूहू कर ऊर्ध्वमुखी क्रंदन से पूरा अहाता गुंजा उठे। कौतूहली भीड़ के सम्मुख मैं धरा में धस कर रह गया। उन्हें विदा देने आए फूफा जी की मोतियाबिंद से लगभग अंधी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। विधाता जिस उदारता से देता है वैसी ही कृपणता से सब कुछ छीन लेता है नन्हे। कैसी सोने की काठी सी देह थी तेरे पिता की। मेरे पिता उनके प्रिय साले थे, हमारी इकलौती बुआ के इकलौते भाई। बुआ को घर द्वार खेत खलियान सब कुछ मायके से ही मिला था। फूफा के दारिद्र को अनदेखा कर उनके संगीत प्रेम पर ही रीझ कर पिता ने वहां रिश्ता पक्का किया था। स्वभाव में दोनों विपरीत थे। मेरे पिता दिन भर में 4 बार कपड़े बदलते, उधर निरी फूफा जी दिनों तक एक ही कुर्ता पहने चले आते। निष्कपट बाल सुलभ हंसी उनके होठों से लगी रहती। पिताजी हंसना ही नहीं जानते थे। मेरे पिता थे उनके एकमात्र हीरो। जब उनके कुख्यात रोग ने सभी इष्ट मित्रों को दूर भगा दिया, फूफा जी ही एकमात्र ऐसे आत्मीय थे जो हर तीसरे दिन मीलों इक्के पर चलकर उनकी कुशल पूछने चले आते। पिताजी ने ठीक ही कहा था। उनके जाने के दूसरे ही दिन मुझे उनकी मृत्यु का तार मिला। गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया था। क्या उनकी मिट्टी मेरे लिए रोक दी जाए? नहीं, मैंने तत्काल जवाबी तार में अपना उत्तर दे दिया था। उस देह में बचा ही क्या था जो मेरे लिए उसे रोका जाए। एक तो जेठ की असह्य गर्मी, उस पर प्राण रहते ही जिसकी दुर्गंध असह्य हो उठी थी, वो निष्प्राण होने पर उस गर्मी में कैसी बन उठेगी।
फूफा जी ने आकर मुझसे सब कर्म करवाए, पर उनकी लाख चिरौरी करने पर भी मैंने बाल नहीं उतरवाए। आखिर तुम्हारे बाप थे नन्हे, तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य है उनके लिए। उन्होंने अपना कौन सा कर्तव्य निभा लिया मेरे लिए? मैंने छुट्टियां बढ़ा ली थी। पहले पूरे घर को डिसइंफेक्ट कराया, फिर ताला मारकर फूफा जी के साथ उनके गांव चला गया। अभी तक वो सड़क पर वैसी ही धरी थी। धूल भरी उबड़ खाबड़ सड़क पर मरियल घोड़ी जूता इक्का धीमे धीमे चला जा रहा था। साथ साथ चल रही थी क्रमशः क्षीण होती जा रही गंगा की धारा। अंधेरा सघन हो उठा था। अमराइयों से इक्का गुजरा तो वह आम्रकुंज मुझे एक बार फिर अतीत की ओर ले चला। अमिया चाटती रस लोलुप नन्ही जिह्वा की स्मृति प्रखर हो उठी। तब क्या कहकर पुकारूं जी, बताऊं बताऊं? एक झटका लगा। उतरो बेटा, फूफा जी ने कहा तो मैं जैसे गहरी नींद से जागा। इतने वर्षों में वो गांव कितना बदल गया था। खेतों में पक्के मकान बन गए थे, दीवारों पर रंगीन टेलीविजन सेटों के इश्तहार लगे थे। एक दीवार पर काले डाबरी अक्षरों में लिखी पंक्ति लैंप पोस्ट के उजाले में स्पष्ट होकर उभर उठी। रिश्ते ही रिश्ते, एक बार मिल तो लें। मुझे वही पंक्ति उसी क्षण वो प्रेरणा दे गई। ये बात अभी तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? आया हूं तो रिश्ता पक्का कर ही क्यों ना लूं? पर कहीं उसका विवाह ना हो गया हो। रात को डरते डरते ही मैंने फूफा जी से पूछा, भगवती जी की ससुराल में सब कैसे हैं फूफा जी? कनक की शादी तो हो गई होगी। अरे कहां हुई बेटा, बड़ी अभागे है बेचारी। कई जगह बात चली पर बनी नहीं। जगत नारायण की रिटायरी के बाद दुर्गत हो गई है। पिछले साल लकवा मार गया। लंगड़ा लंगड़ा कर चलने तो लगे हैं पर कुछ काम के नहीं रहे। एक ही बिटवा था रमेश, तुम्हारे साथ ही तो पढ़ता था, उसे इंजीनियरी पढ़ाई, हम ही ने सहारा दिया। पटियाला में नौकरी भी पा गया है, बस वही किसी पंजाबिन से शादी कर ली तो पलट के आया ही नहीं। जवान कुंवारी बहन की भी सुध नहीं है कपूत को। क्या दहेज मांग रहे हैं फूफा? और क्या, आजकल तो गांव देहात के लड़कों को भी पर लग गए हैं। अंग्रेजी पढ़ी लड़की चाहिए जिस पर स्कूटर टेलीविजन फ्रिज सब कुछ। अब तो सभी ये सब देने लगे हैं, उस पर मंगली है लड़की। फूफा, अंधेरे में ही शायद मैं और निर्भीक हो गया। क्या है नन्हे, मैं करूंगा उससे शादी। फूफा हंस पड़े, काहे मजाक करते हो बचुआ? नहीं फूफा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कैसी बचपने की बात कर रहे हो बेटा, तुम तो मंगले नहीं हो, तुम्हारी कुंडली तो हम ही ने बनवाई थी। मैं मंगल वंगल नहीं मानता फूफा, आप कल ही मेरे साथ चलिए, मैं बात पक्की कराऊंगा। मैं कनक को बचपन से जानता हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत पहले ही निश्चय कर चुका था कि मैं उसी से विवाह करूंगा। अभी तो तुम्हारे बाप का मासिक भी नहीं चुकाया नन्हे, फिर जगत पुरानी चाल के आदमी हैं, कुछ टेढ़े, शायद राजी ना होंगे। मैं बौखला गया। पिता का अहंकारी स्वभाव एक क्षण को मेरी विवेकहीन जिह्वा को प्रगल्भ बना गया। क्यों राजी नहीं होंगे? वो एक साधनहीन अवकाश प्राप्त ऐसे बीसियों तहसीलदार नित्य मेरे चपरासियों की जूतियां चाटते हैं। मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे बस कनक चाहिए। कैसे ऐसी निर्लज्ज ओछी बात मैं कह पाया? पिता के घृणित रोग की स्मृति क्या मुझे चेतावनी नहीं दे पाई? एक पल को मैं एकदम भूल गया कि समर्थ वर्तमान अतीत के दारिद्र को भले ही पीछे धकेल दे, अतीत का कलंक बिल्ली की भांति सहज में नहीं मरता। ठीक है, आप मत जाइए, मैं अकेले ही चला जाऊंगा।
सब कुछ तो मैंने अकेले ही किया है, पढ़ाई नौकरी सब कुछ। मैं विवाह भी अकेले ही पक्का कर लूंगा। दूसरे दिन सज धज कर मैं स्वयं वहां पहुंच गया। जिसने द्वार खोला उसे देख मेरा धड़कता कलेजा मुंह को आ गया। जैसी कल्पना की थी उससे कहीं अधिक सुंदर। एक पल को वो मुझे आश्चर्य से देखती रही, फिर वही भुवन मोहिनी हंसी में उसके रसीले अधर फड़क उठे। अरे नन्हे मामा आप, भगवान के लिए अब तो मुझे मामा मत कहकर पुकार कनक। क्यों? उसकी आंखों में परिहास की सहस्र किरणें एक साथ झरझर कर झरती मुझे मत बना गई। जी में आया वही उसे अपनी बाहों में बांध कर कहूं, बताऊं बताऊं, इसलिए कि आज मैं तुम्हें मामी बनाने आया हूं। एक पल को वो मुझे आश्चर्य से देखती रही, फिर उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो त्वरित गति से पलटी, अम्मा नन्हे मामा आए हैं। अरे नन्हे आओ आओ, तुम तो सुना बहुत बड़े हाकिम बन गए हो। मेरी छाती अहंकार से और चौड़ी हो गई। आंचल से हाथ पूछ चट भगवती जीजी ने पीढ़ा खींच दिया। अजी सुनते हो, नन्हे आया है, देखो जरा कैसा साहब बन गया है। जगमोहन जीजा जी एकदम ही बुढ़ा गए थे। घर का धुला पीला पड़ा कुर्ता, उड़े उड़े बाल, बार बार नाक पर फिसलती ऐनक। बड़े स्नेह से उन्होंने मेरी कुशलता पूछी। कनक तश्तरी में गुड़ लहिया के लड्डू और एक गिलास शरबत रख गई। कितनी सलीके वाली हो गई है कनक, कौन कहेगा वो गांव देहात की लड़की है। प्राइवेट बीए करा दिया है इसे, अब किसी तरह इसके हाथ पीले हो जाते तो हम दोनों परानी गंगा नहा लेते नन्हे। कोई अच्छा लड़का हो तो बताना बेटा। कनक लजाकर भीतर गई, पर वो पर्दे की आड़ में खड़ी है ये मैंने देख लिया था। है तो जीजी एक लड़का, मैंने कहा। कौन क्या करता है? जीजी मेरे पास सरक आई। मैंने हंस कर कहा। क्यों मजाक करते हो नन्हे? जीजा बोले। मैं मजाक नहीं कर रहा जीजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक आदर्श विवाह करना चाहता हूं मैं। जीजा का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। एक क्षण को सुई भी टपकती तो बम का सा धमाका लगती। जीन सिकुड़े पर्दे के औदार्य से गौर चरण युगल पर चमकती पायल मैं स्पष्ट देख पा रहा था। आप राजी हैं? मेरा कलेजा बुरी तरह धड़क रहा था। नहीं, जीजा का उत्तर जैसे मेरी नंगी पीठ पर चाबुक सा पड़ा। जगमोहन जीजा ने एक दीर्घ श्वास लेकर पत्नी के नकारात्मक उत्तर का मौन समर्थन किया। आखिर क्यों, मंगली है इसलिए? मैं तब भी महामूर्ख बना अपना ही प्रस्ताव दोहराने लगा। मैं ये सब बकवास नहीं मानता, मैंने फिर दृढ़ स्वर में कहा। तुम मानो न मानो, हम उसे जानबूझकर कुएं में नहीं धकेल सकते। मैं इस आकस्मिक व्यवहार परिवर्तन से विमूढ़ बन गया। अभी अभी तो दोनों मुझे पान के पत्ते सा फेर रहे थे। मैं तो सोच रहा था जीजा मुझे बाहों में भर लेंगे और कहेंगे, तुमने हमें उबार लिया नन्हे। क्यों, क्या आप मुझे कनक के योग्य नहीं समझते? मैंने हंसने की व्यर्थ चेष्टा कर अपने स्वर को यथासंभव विनम्र बनाने की चेष्टा की। नहीं, उस दृढ़ स्वर में कहीं भी नमनीयता नहीं थी। आखिर कौन सी कमी है मुझ में? मैं अब अपना आपा खो बैठा था। ना मैं सिगरेट छूता हूं, ना शराब, पिताजी की जायदाद का एकमात्र वारिस हूं। कोठी है, खेत है, फिर देश की सबसे बड़ी नौकरी है मेरे पास। बस चुप्पे रहो नन्हे, हमार मुंह मत खुलवाओ। नहीं, बताना तो पड़ेगा आपको। मैं क्रुद्ध उत्तेजना में तनकर वहीं खड़ा हो गया। तब सुनो,
जिसका बाप जिंदगी भर वैश्या के कोठे पर डेरा डाले रहा, सड़ सड़ कर कुत्ते की मौत मरा, उसके बिटवा को हम क्या कोई भी बिटिया नहीं देगा। सहसा पिता का एम्बुलेंस से शरविद्ध करता श्राप मुझे एक बार फिर अवश्य बना गया। भगवान करे तुम कभी घर गृहस्थी का सुख ना भोगो, अंग अंग में कीड़े पड़े तेरे। मेरा समस्त अहंकार, ओदे का मद, पिता के वैभव का गुमान, सब कुछ जीजी के कर्कश वाक प्रहार में तिनके सा बह गया। किसी ने कड़कड़ाती माघी विभावरी में मुझ पर जैसे घड़ों ठंडा पानी डाल दिया था। मैं तेजी से बाहर निकल गया। मुझे देखते ही शायद फूफा सब समझ गए। उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछा। मैं भूखा ही सो गया। सुबह फूफा सो ही रहे थे कि मैं निकल गया। अपनी उस श्रीहीन अट्टालिका में क्या मुझे अपनी उस श्रीहीन अट्टालिका में क्या मुझे फिर अशरीरी प्रेत छायाएं घेर कर बैठ गई। बदला ले ले खोका, कभी घोष बाबू कानों के पास आकर कहते, हराम जादी के छाड़िशना, उस हराम जादी को मत छोड़ना। कभी लगता अम्मा सिरहाने बैठकर निशब्द रो रही हैं। सब मेरे मन का वहम था, कहीं भी तो कोई नहीं था। सुबह उठा तो प्रतिहिंसा की उद्दाम लपटें मुझे झुलसाने लगी। तीसरे दिन अचानक दिनेश आ गया। न जाने किस झोंक में उसे मैं अपने अपमान की बात बता गया। जी में आ रहा है दिनेश, मैं अभी जाकर उस बेहया का गला टीप दूं। उसी ने मेरे पिताजी की ये दुर्गति की, मेरी अम्मा को मौत के मुंह में ढकेला और आज मेरी जिंदगी में भी जहर खोल गई। क्या अधिकार है उसे जीने का। दिनेश तो नित्य ही ऐसे छोटे मोटे बदले लेने का आदी था। उसी ने फिर मेरा सारा भावी कार्यक्रम बना दिया। बस तुम जाकर एक बार दूर से ही वो जगह देखाओ, इतना पता लगाओ कि ससुरी जिंदा है या नहीं। बस तुम एक बार जाकर दूर से ही वो जगह देखाओ, इतना पता लगाओ कि ससुरी जिंदा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे सांप को मार कर ही अनवर तुमसे पैसे वसूल ले। वही देखने मैं गया था। अब सोचता हूं क्यों गया मैं। पहुंचते पहुंचते उस दिन भी रात हो गई थी। एक खूसट से कुर्रम ने अता पता बता दिया था। मैं ले चलूंगा सरकार, राजेश्वरी बाई की इकलौती बेटी वृंदा ही दुकान पर बैठती है, लाखों में एक है मालिक। पर पता पूछकर मैं अकेले ही चला गया था। सघन आम्र कुंज से घिरी आलीशान हवेली का दूधिया गुंबद दूर से ही चमक रहा था। दर्शनीय उद्यान के बीच एक संगमरमरी बंच पर बैठा नेपाली दरबान हाथ की खैनी मलता बढ़ आया। राजेश्वरी बाई है क्या। जी हाँ, पर वो तो अब किसी से मिलती नहीं। वृंदा बेबी से मिलना है क्या। वो अर्थपूर्ण कुटिल दृष्टि से मुझे देखकर मुस्कुराया। हाँ, आप बैठे, मैं खबर कराऊं। अभी रियाज कर रही हैं, टोकने पर नाराज होती हैं। ठीक है, उन्हें रियाज करने दो, हम तो राजेश्वरी बाई से मिलना चाहते थे। फिर कभी आएंगे। नहीं नहीं, आप बैठे सरकार, हम अभी कहकर आते हैं। कह देना हम एक मिनट मिलकर चले जाएंगे। उसने फिर आश्चर्य से देखा। यहां के अतिथि शायद एक मिनट मिलकर ही नहीं जाते। मैं बेंच पर बैठ गया। द्वार खुलते ही रियाज का मधुर स्वर बाहर तक चला आया। भोपाली के विलंबित ख्याल का वो अपूर्व रियाज कौन कोकिल कंठी कर रही थी। सहसा राग विस्तार के बीच रियाज करने वाली पंचम से शुद्ध गांधार में ऐसे पटीयसी कौशल से उतरी कि लगा शुद्ध कल्याण का आंचल थाम रही है। यही तो मेरे पिता भी किया करते थे।
ऐसे ही चतुर नट के कौशल से वो मीणों की डोर थाम शाखा मृग से एक राग से दूसरे राग की शाखा प्रशाखा पर कूदते श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। तब क्या ये मेरे पिता का ही रक्त इस रियाज की धमनियों में धड़क रहा था? दरबान नहीं लौटा। इस पर बड़े अशिष्ट दुस्साहस से मैं बिना अनुमति की प्रतीक्षा किए बेधड़क भीतर चला गया। एक सकरी सुरंग सी गैलरी से गुजरकर मैं उस कमरे में पहुंचा जहां कोई क्षीण स्वर में पूछ रहा था, कौन मिलना चाहता है हमसे? अरे नाम तो पूछकर आ। मैं पर्दे की आड़ में दुबक गया। दरबान मेरा नाम पूछने चला गया। सहसा उस चर्महीन कंकाल पर मेरी दृष्टि पड़ी, सींख से पतले किसी पोलियोग्रस्त बालक के से अवश हाथों को छाती पर धरे वो कराह उठी, अरे वृंदा देख तो कौन आया है बाहर, जाने से पहले थोड़ा पानी पिलाती जा रही, गला सूख रहा है। मेरे दबे पैरों की आहट को शायद उसने वृंदा की आहट समझा था। अपने पपड़ी पड़े त्रिशार्थ अधरों पर जीभ फेरती वो जिस असहायता से मेज पर सामने धरा ग्लास टटोलने लगी, उसे देख मैं समझ गया वो दृष्टिहीन है। अचानक उसके सिराहने लगे अपने पिता के चित्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, मखमली पायदान पर धरे उनके चमकते पंप पशु विलासी अधरों की वही मुस्कान। अब तक सुप्त पड़ी प्रतिहिंसा की दावाग्नि मुझे फिर झुलसाने लगी। उस मुष्टिका प्रमाण की बटेरी गर्दन दबाने में तो पल भर भी नहीं लगेगा, कर दे खत्म, ले ले बदला मूर्ख। मेरा अविवेकी चित मुझे फिर उकसाने लगा। पास ही व्हील चेयर रखी थी, लगता था विधाता ने आंखें ही नहीं छीनी हाथ पैर भी छीन लिए थे। आज मेरी अम्मा की वो रूप गर्विता सौत पद दलिता होकर पल पल ही तो फांसी की टिकटी पर लटक रही थी, मरे को मारकर क्या लाभ। आज तक यही सुना था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर उस दिन समझ में आया दीर्घ बाहु विधाता के हाथ उससे भी लंबे होते हैं। कानून तो कभी कभी गवाह न मिलने पर जंघन्य अपराधी को भी छोड़ देता है, पर विधाता, विधाता स्वयं ही उसका साक्षी है, स्वयं ही न्यायाधीश, इसी से उसका न्याय होता है त्रुटिहीन। मैंने जाने कब पर्दे की आड़ से निकल सीधे कमरे में खड़ा हो गया। कौन है आप? इस कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं चौंक कर मुड़ा। मेरे सामने क्या मेरा प्रतिबिंब ही खड़ा था? मेरा ही सा लंबा कद, वैसा ही नैन नक्श और मेरा ही सा नाक पर मक्खी ना बैठने देने वाला गुस्सा। कोई हम दोनों को एक साथ देखता तो निश्चित ही जुड़वा समझता। आप कौन हैं? इस कमरे में ये कैसे आया नर बहादुर? आखिर आप कौन हैं? कौन है, कौन है? चिढ़ाई गई खीजी कोयल किसी वो कंकाल दे पुत्री का ही प्रश्न दोहराती चली जा रही थी। अब पुत्री का स्वर क्रोध से कांप उठा, नर बहादुर। उसकी पुकार का प्रत्युत्तर नर बहादुर देता इससे पूर्व ही मैं तीर सा बाहर निकल गया और एक प्रकार से दौड़ता भागता ही सामने आ रहे स्कूटर को रोक सीधे स्टेशन पहुंच गया। मेरा प्रतिशोध तो स्वयं विधाता ले चुका था, फिर भी मेरा चित्त इतना उद्वेलित क्यों है? 8 दिन बाद मैं अपनी नौकरी पर लौट जाऊंगा। मेरे माथत हाथ बांधे पूर्ववत मेरी ताबेदारी में खड़े रहेंगे। पर कौन सी फांस साल रही है मुझे? मैंने प्रतिशोध की जो योजना बनाई थी उसमें तो वो एक ही झटके में मुक्त हो जाती, किंतु दयालु न्यायाधीश तो उसे पल पल मृत्यु दंश दे रहा था। सहस्त्रों वर्ष पूर्व मिस्र की सी ही कब्र से निकली ममी की सी देह जो प्राण रहते भी निष्प्राण बन चुकी थी,
अंधी आंखों में तैरती अभिशिप्त अतीत की दुर्वह स्मृतियां, पक्षाघात से पंगु बन गई देह, फिर वैश्या का अखंड अहिवात ही तो दे पाई है इकलौती पुत्री को। क्या ये सब मेरे दुग्ध हृदय में शीतल फाहा रखने के लिए पर्याप्त नहीं था? पर मैं अब रात रात भर बेचैन करवटे बदलता रहता हूं। पिता का श्राप मुझे कभी कभी पागल बना देता है, कभी पर्दे की ओट में दुबके गौर चरणों पर पायल की झलक, कभी मेरे सामने तनकर खड़ी क्रोध से कांपती वृंदा का वो प्रश्न, कौन है आप, आखिर कौन है? क्या उस प्रश्न का उत्तर मैं कभी दे पाऊंगा? मैं स्वयं नहीं जानता मैं क्या करना चाहता हूं। कभी कभी लगता है घोष बाबू जो पंक्तियां मेरे पिता के लिए दोहराते थे, वही आज मेरी भी नियति बन गई है। पागल हैया बने बने फिरी आपन गंधे माम, कस्तूरी मृगसंग।